हेलो, होपफुली आप सब लोग अच्छे हो। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरा प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस, जो 9 मंथ्स का एक्सपीरियंस रहा उसका थोड़ा बहुत डिटेल्स। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे आप लोग जो फ़ोटोज़ या वीडियोज़ देखेंगे, मेनली मेरा जो शाद होता है, जो बेबी शावर होता है, उसी का डिटेल्स दिया हुआ है या फिर फ़ोटो दिया हुआ है। तो मेनली मेरे ससुराल में 3 बेबी शावर होता है, 5 महीने में, 7 महीने में और 9 महीने में। तो ये है 5 महीने का फ़ोटो, जिसमें एक पूजा होता है और उसमें हमारे ससुराल में पहले ब्रेकफास्ट में वो सब मिठाई और डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स वो सब देते हैं। और ये है 7 महीने में, जो हमारे घर से गिफ्ट गए थे, वो सब का डिटेल्स या वीडियो, ये स्वीट्स और बाकी सब। उसके बाद मैं जो बोल रही थी, ब्रेकफास्ट में ऐसा वाला फल और मिठाई सब देते, जितना महीने होता है उसकी उसका अनुसार उतना टाइप का फल होता है। जैसे 5 महीने में 5 टाइप का, 7 महीने में 7 टाइप का। और उसके बाद 7 महीना हम मेरा ससुराल में हुआ था, क्योंकि उसके पहले और उसके बाद में ससुराल में नहीं जा सकती थी प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि वो आरामबाग में है और मैं अभी कोलकाता में हूँ डॉक्टर दिखाने के लिए। तो ये था मेरे जो लंच का डिटेल्स उस 7 महीने में। लंच में भी कुछ भी मेनू हो सकता है, लेकिन वहाँ पे फ्राइड आइटम्स या फिर जो भाजा बोलते हैं उतना टाइप का होता है जितना टाइप का महीना होता है। जैसे 7 महीने में फल के जैसा, 7 महीने में 7 और 5 महीने में 5 ऐसे। और उसके बाद हम लोग केक भी काटे थे, जो ब्लू पिंक दोनों कलर का ही था, क्योंकि यहाँ पे जेंडर रिवील तो नहीं होता है। और हमारे ब्रेकफास्ट के बाद सब लोग आशीर्वाद करते, उसके बाद लंच। एकदम पहले जब मैं प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तो वो था 1-1.5 महीने बाद, क्योंकि उससे पहले मेरे बहन का शादी था, तो वहाँ पे तो मैंने आराम से डांस वांस कर दी। तो उसके बाद प्रेगनेंसी किट से मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और तब मैं थोड़ा नर्वस भी थी 3 महीने तक, क्योंकि बहुत सारा टेस्ट अब बहुत कुछ होता है। 3 महीने से पहले ही हम लोग हार्ट बीट सुन लेते हैं, उसके बाद डाउन सिंड्रोम टेस्ट, एनोमली टेस्ट, ये सब नॉर्मल होता है। ये था मेरा हॉस्पिटल से बेबी शावर, जहाँ पे वो लोग डेकोरेट किए थे, केक काटे थे हम लोग, और मेहंदी और कुछ गेम्स ये सब का वहाँ पे अरेंजमेंट था। और हम लोगों को पैकेट सिस्टम में कुछ स्नैक्स दिए थे और गिफ्ट हैम्पर भी दिए थे। तो 3 महीने के बाद जब सब कुछ रिपोर्ट सही आया, तो हम लोग घूमने गए थे मंदारमनी और वहाँ पे बिष्णुपुर। उसके बाद मेरी दीदी आई थी, जब मेरा 5-6 महीना चल रहा था, तब भी मैं डॉक्टर से परमिशन लेके पूरी गई थी। फिंगर क्रॉस, मेरे प्रेगनेंसी में उतना कुछ दिक्कत नहीं रहा, मैं नॉर्मली थी। मैं ऑफिस भी जा रही थी 2-3 दिन करके हफ्ते में, और उतना कुछ दिक्कत नहीं हुआ। फर्स्ट 3 मंथ्स, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, उसमें थोड़ा सावधानी से रहना पड़ता है, मतलब, और तभी थोड़ा बहुत टायर्ड भी हो जाते हैं, तो वो हो रही थी। और मुझे थोड़ा वॉमिटिंग फील आ रहा था, लेकिन वॉमिटिंग हुआ नहीं। उसके बाद तो 6-7 महीने तक एकदम भी कुछ दिक्कत नहीं हुआ, खाना पीना सब कुछ। और एकदम लास्ट में मेरा थोड़ा शुगर और LFT ज़्यादा हुआ था, इसलिए खाना थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड था, नहीं तो और कुछ, और थोड़ा एसिडिटी हो रहा था बस, और मेरा कुछ दिक्कत नहीं था। मैं नॉर्मली थी और चलने फिरने में या फिर कहीं जाने में कुछ दिक्कत नहीं हुआ मुझे। खाने का बोलता है कि घर का खाओ तो सबसे अच्छा, अगर अच्छा भी खाना है, अगर लग रहा है कि बाहर खाएंगे तो अच्छे रेस्टोरेंट से खाओ। स्वीट फूड उतना मत खाओ, फ्राइड ज़्यादा मत खाओ तो अच्छा रहता है। मुझे तो बहुत मन हो रहा था रामकृष्ण मठ, कामारपुकुर, ये सब जगह जाने पे। मैं यहाँ पे गई भी थी और सारा जगह पे प्रसाद भी खाई। बाग बाजार जो मायरबारी है वहाँ पर भी गई थी हम। और बेबी शावर मेरे फ्रेंड्स लोग, मेरे दीदी लोग, रिलेटिव लोग भी खिलाए, वहाँ पर भी मैंने खाई। तो मेरा प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ही अच्छा रहा, उतना दिक्कत नहीं हुआ, तो सब कुछ अच्छे से ही गया। मुझे जो जो मन था खाने का या फिर घूमने का, सभी मैंने किया। मेरे 9th मंथ में तो पूजा चल रहा था, तो उतना घूम नहीं सकी, मुझे बहुत घूमने का शौक़ था, पूजा, पैंडल हॉपिंग, लेकिन फिर भी जितना हो सके, जितना इतना इस समय ज़रूरत होता है उतना मैंने किया। मैं पूजा का जो 10 दिन होता है, एकदम पहले पहले फर्स्ट या सेकेंड डे में यहाँ पर नज़दीक में जो पैंडल है वो मैं देख ली। मैं मूवी भी देखने गई, मैं रेस्टोरेंट में खाने भी गई कभी कभी घर वालों के साथ।
इसके बाद था फाइनल बेबी शावर जो 9 महीने में हुआ, जो मेरे मम्मी के घर से और ससुराल के घर से एक साथ दोनों ने दिया। तो ये 3 बेबी शावर जो मेरे ससुराल से होता है, मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि मुझे 5-6 साड़ियाँ और कुर्तीज़, बहुत सारा गिफ्ट्स, बहुत कुछ मिला। और जितना भी सारा बेबी शावर हुआ वहाँ पे भी बहुत सारा गिफ्ट्स मिला। तो ये प्रेगनेंसी जर्नी सच में बहुत अच्छा गया मेरा। ये थोड़ा बहुत जो डेकोरेशन हुआ था 9 महीने में मेरे घर पर, उसका फ़ोटोज़। और मैं एक ट्री बनाई थी जहाँ पे सब लोग वोट दिया था कि उन लोगों को क्या लग रहा है कि लड़का होगा या लड़की, तो उसका भी फ़ोटो मैंने दिया है, आप लोग देखना। वो एक लाइक गेम है, तो वो भी आप कर सकते हो आप लोगों के बेबी शावर में। तो जैसे मैं पहले बोली थी, ये पहले सुबह को ब्रेकफास्ट के लिए ये सब, और उसके बाद दोपहर को लंच में ये सब मेनू था। तो इसमें भी यहाँ पे मेरे ससुराल से कुछ लोग और मेरे यहाँ पे रिलेटिव लोग आए थे, और हम लोगों का मेनू था मछली के बेस पे क्योंकि वही हम लोग शुभ मानते हैं। तो यह जो ट्री मैं बता रही थी, बस आज के लिए वीडियो इतना ही। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर कुछ क्वेश्चन रहे तो मुझे ज़रूर पूछिए कमेंट सेक्शन में, मैं अगर वो जानती हूँ तो ज़रूर आंसर करूँगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब।